हाँ जलपा जी, अभी हम सभी ने ध्यान किया और ध्यान में मैंने प्रयास किया कि आपका ब्रह्मरंध्र द्वार खुल जाए, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मेरा प्रयास सफल भी हुआ, लेकिन फिर भी आपको जो भी अनुभूति हुई हो वो याद करके अतिशयोक्ति ना बताए, यानी बढ़ा चढ़ा के ना बता के जो सत्य में आपको अनुभूति हुई है वही बताने का प्रयास करें। हाँ बताए। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। जब आज ध्यान कर रहे थे हम, तो मुझे पहले मेरा जब ध्यान में बैठती थी तो ऐसा लगता था कि प्राणवायु ऊपरी भाग पर रुकी हुई थी, और वहाँ पे जब कुंडलिनी ऊपर जाती थी तो दबाव सा महसूस होता था और थोड़ी गर्माहट भी मुझे ज़्यादा लगती थी। पर अभी जब ध्यान में बैठे तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो ऊपर की ओर जैसे कुछ खुल गया और पूरी प्राणवायु और कुंडलिनी ऊपर सिर की ऊपरी भाग में मुझे महसूस हो गई कि पूरा ऊपर का भाग में वो जमा हो गई ऐसे। और मुझे ध्यान में बहुत गहरे आनंद की भी, मीन्स बहुत अच्छे आनंद की भी अनुभूति हुई कि बस ध्यान करती रहूं, बैठी रहूं ऐसे। जी आपने बताया कि अभी से ध्यान जब करती थी पहले, यानी ध्यान करती थी तब ये जो प्राणवायु नीचे से ऊपर को जाती थी तो ब्रह्मरंध्र द्वार के पहले ही ठहर जाती थी, क्योंकि ब्रह्मरंध्र द्वार तो खुला नहीं होता था। तब वहाँ दबाव के कारण गर्मी महसूस होती थी कि हाँ, यहाँ कुछ, यानी प्राण पे दबाव लग पड़ रहा है और गर्म गर्म महसूस हो रहा। हाँ ये बात सही है कि ऐसा ही होता, जब प्राणों का अधिक दबाव होता है, ध्यान गहरा लगता है और ब्रह्मरंध्र द्वार नहीं खुला होता तो प्राण का भारी दबाव होता है, क्योंकि नीचे से जो प्राणवायु होती है सारी ऊर्ध्व होकर के वहीं पर भरी होती है, और ये जो उदान वायु है, उदान वायु का स्वभाव है ऊर्ध्व होना, ऊपर की ओर उसका स्वभाव ही है। तो जितना ऊपर की ओर ऊर्ध्व होगी तो ऊपर तो जगह नहीं उसे मिल रही थी क्योंकि द्वार बंद था, इसलिए ज़्यादा दबाव होने के कारण वहाँ पर वायु ऐसी लग रही थी कि दबाव के कारण गर्म हो रही है। हाँ ये तो ठीक था, लेकिन अभी जो वो द्वार खुला है, यानी एक होता क्या है कि ब्रह्मरंध्र का जो होता है द्वार वो बंद सा होता है, बंद थोड़ा एक विशेष परत द्वारा होता, वैसे तो ये चीज़ सूक्ष्म शरीर में होती है लेकिन अनुभूति उसकी स्थूल शरीर में होती है, क्योंकि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर समाया हुआ। जब ये द्वार खुल जाता है तो जो प्राण वायु ब्रह्मरंध्र द्वार के पहले रुकी होती है, ठहरी होती है, जमा होती है, वो तेजी से अंदर को चले जाती है। जब अंदर को जाती है तो एक विशेष अनुभूति सी होती है कि हाँ, ये लगता है कि शरीर भर की प्राणवायु ऊपर जा कर के और यानी प्रवेश कर गई, इकट्ठी हो गई। हाँ यहाँ पर एक और बात होती है और आगे चल के आपको महसूस होगा, यहाँ पर जब आप ध्यान करेंगी कल से या आज के बाद, तो प्राण और मन एक साथ ब्रह्मरंध्र द्वार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ ब्रह्मरंध्र के अंदर ध्यान रखना निर्विकल्प समाधि भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता है, नाम और ज्ञान का प्रवाह अर्थ स्वरूप में विलीन हो जाता है, इसलिए समय का भान नहीं होता है और वहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प ना होने के कारण निर्विकल्प कही जाती है। जब ऐसा साधक अभ्यास करता है तो उसकी समाधि की अवधि अपने आप बढ़ जाती है, और यानी जब तक याद रहेगा तब तक लगेगा नहीं 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 बहुत, यानी कुछ गुदगुदी और आनंद जैसी अनुभूति होगी, फिर अपने आप को भूल जाएगा। और पहले की अपेक्षा ध्यान की अवधि बढ़ जाने के कारण धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मुझे समझ में आया कि जो मैंने अभ्यास किया है कि उसमें कितना आनंद आता है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप एक बार में 2 घंटे ध्यान करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे तक आपकी प्राणवायु ब्रह्मरंध्र द्वार के अंदर ही बनी रहेगी, जरूरी नहीं। शुरुआत में जैसे कि अब शुरुआत होगी,
कुछ समय के लिए हो सकता है 10 मिनट के लिए, फिर और अभ्यास कर 10 मिनट 20 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते हुए प्राणवायु ऊपर को जाएगी और फिर क्या होगा, मन और प्राण नीचे को आ जाएंगे, यानी ब्रह्म द्वार से नीचे आ जाएंगे। तो फिर वही विचार सविकल्प समाधि, ठीक है, दृष्टि दृष्टा दृश्य मतलब वाली कहानी तृप्ति बनने लगती है। तो ऐसा हो जाता है, यानी शुरुआत में थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ जाते हैं ब्रह्म द्वार के नीचे, फिर यही क्रिया होती है, ये क्रिया होती ही रहती है। तो अभ्यास के अनुसार वहाँ की अवस्था बढ़ती रहती है। हाँ, एक और बता दूं कि ये जो कुंडलिनी है ब्रह्म द्वार के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाती, मात्र थोड़ा सा मुँह अपना अंदर कर देती है और कुछ सेकंडों के लिए फिर धीरे धीरे वो अवधि बढ़ती रहती है, ब्रह्म द्वार में मुंह घुसेड़ देती है, बस फिर थोड़ी नीचे हो जाती है, यही क्रिया करती रहती है। जब बहुत ज़्यादा अभ्यास करोगे, क्योंकि यहाँ से तो जब चली जाओगे यूएसए, तो बार बार तो बताने का मुझे भी समय नहीं होगा, तो क्या होता है कि कुंडलनी ब्रह्म द्वार के अंदर मुंह को प्रवेश ना करके जब उसका एक उचित समय हो जाएगा, यानी अभ्यास कर करके, तो फिर वो जो कुंडलनी सीधी जो सीधे मार्ग से ऊपर जाती, फिर वो आगे की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगी, यानी आगे की ओर मुड़ के आज्ञा चक्र की ओर और फिर नीचे नीचे। अभी इसके लिए तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। आपको ये सफलता मिली, अनुभूति हुई, अच्छी बात है, अभ्यास करते रहिए। और हाँ, आगे चल के मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र या और भी कुछ सोचता हूँ वो दूंगा, इससे आपका योग बल भी बढ़ेगा और शक्तिपात करने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी, ठीक है। ये हाँ, इंतज़ार करो कि मैं कब बताता हूँ, ठीक। मेरी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद, आप भविष्य में सफल हों। बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe. Thank you.